Hello everyone, welcome back to my channel BZP. Myself Khushbu and मैं इस channel में DIYs and home decor related videos बनाती हूँ. And जैसा कि आप सबको पता है कि मैं recently बीकानेर shift हुई हूँ from देहरादून and हमें घर भी मिल गया है and finally मैंने living room का makeover भी कर दिया है. रिपेयरिंग एंड पेंटिंग का काम होने के बाद सबसे पहले हमने ये कर्टन ब्रैकेट्स लगवाए हैं. ये मैंने अमेज़ॉन से लिया है क्योंकि मुझे लोकल में नहीं मिले. लोकल में आपको सिंगल हुक वाली मिल जाती है, मुझे यहाँ पे नहीं मिली तो मैंने अमेज़ॉन से इसे ऑर्डर किया. उसके बाद ये कुछ लैम्प्स हमने पूरे घर में लगवाए हैं, जहाँ जहाँ पर रिक्वायर्ड थे वहाँ वहाँ पर हमने ये वाले लैम्प्स इंस्टॉल करवाए. नेक्स्ट मैंने यहाँ पर अपना वही पुराना जो विंटेज स्टेशन क्लॉक था उसे इंस्टॉल करवा लिया है. ये सब हो जाने के बाद मैंने बनवाया है एक टीवी पैनल. तो यहाँ पे आप अपने टीवी के साइज़ के अकॉर्डिंग इसे बनवा सकते हैं. सिंपल एक प्लाईवुड लेनी है एंड उसके पीछे आपको सेम प्लाईवुड की ही कटिंग काट के या उससे ज़्यादा mm की भी आप ले सकते हैं, उसकी फ्रेमिंग करनी है. बीच में आपको एक होल छोड़ना है जिसके थ्रू टीवी के जितने भी वायर्स वगैरह हैं वो पास होंगे एंड कुछ भी विजिबल नहीं होगा. आगे की तरफ हमारा जो टीवी का हैंगर था उसे हमने इंस्टॉल करवा लिया है एंड जो वायर्स हैं वो सारे उसके पीछे से पास हो जाएंगे. अब इस पैनल को वॉल पे हैंग करने के लिए यहाँ पे एक और पतली स्ट्रिप प्लाईवुड की कट की है एंड इसे वॉल पे फिक्स कर दिया है. अब पैनल के पीछे जो फ्रेम है वहाँ पे एक छोटा सा हमें इस तरीके का कट करना है सो दैट कि जो वायर्स हैं वो यहाँ से सारे पास हो जाएंगे. एंड ये जो बिट आप देख रहे हैं ये पूरे ही प्लाईवुड के पीछे बनी हुई है. उसके बाद मैंने यहाँ पे वॉलपेपर का यूज़ किया है. ये मैंने अमेज़ॉन से मंगवाया था. मुझे था कि कंप्लीट एक वुडन लुक लगना चाहिए, इसके लिए मैंने वॉलपेपर स्टिक किया है. आप अगर इसे बना रहे हैं तो आप चाहें तो लैमिनेट्स भी यहाँ पर लगवा सकते हैं. उसके बाद यहाँ पे मैंने ये जो LED स्ट्रिप लाइट खरीदी थी इसे यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ. ये मैंने अपने हॉल वीडियो में भी आपके साथ शेयर किया था. इसमें एक स्टिक ऑन भी आती है, आप उसका भी यूज़ कर सकते हैं बट वो बहुत जल्दी ख़राब हो जाती है. ये उतनी जल्दी ख़राब नहीं होती है तो इसके लिए मैंने इसे प्रेफर किया है. ये थोड़ा आपको प्राइसी भी पड़ता है. एंड इसके बाद हमने अपने TV पैनल को कुछ इस तरीके से हैंग करके चेक कर लिया है. अच्छे से कम्प्लीटली श्योर हो जाने के बाद ही हमने यहाँ पे TV हैंग किया था. एक बार चेक करना ज़रूरी था. पता चला कि जैसे ही हमने TV हैंग किया ये पैनल गिर गया. लाइट लाइट कैसे चलेगा? अब क्योंकि मेरे सारे फर्नीचर्स डार्क कलर के थे, ये अकेला ऑड वन आउट हो रहा था, तो हमने डिसाइड किया कि इसे भी हम पेंट कर देंगे. तो यहाँ पे मैंने इनेमल पेंट का यूज़ किया है. मैंने डार्क ब्राउन कलर एंड ब्लैक कलर मिक्स किया है विथ टर्पेंटाइन ऑयल. उसे थोड़ा सा हमने थिन कर लिया है, बहुत ज़्यादा थिन नहीं रखना है, बहुत ज़्यादा थिक नहीं रखना है, थोड़ा सा हमें उसे मिक्स करके थिन कर लेना है. एंड इसके बाद मैंने इसे पेंट कर लिया है. इससे क्या होगा कि बहुत ऐसे आपको ब्राउन ब्राउन भी नहीं दिखेगा, ऐसा लगेगा कि आपने फर्नीचर को पॉलिश किया है, एक पॉलिश का लुक आएगा. तो मैंने यहाँ पे सिंगल कोट ही पेंट किया है. डबल कोट करूँगी तो पेंट काफ़ी थिक हो जाएगा, जिसकी वजह से जो लुक हमें चाहिए था वो नहीं आएगा, जो हमारा पर्पस था वो सॉल्व नहीं होगा. सो फाइनली मैंने सोफा पेंट कर लिया है एंड इसका फाइनल लुक कुछ ऐसा है. इसके बाद मेरे पास एक टेबल भी थी तो मैंने सोचा जो इसका विजिबल पोर्शन है उसे भी पेंट कर दूं. तो यहाँ पे भी सेम काम किया है मैंने, ब्राउन कलर विथ ब्लैक कलर एंड टर्पेंटाइन, उसे मैंने यहाँ पे पेंट कर लिया है. पेंट करने के बाद आपको 24 to 48 आवर्स इसे ड्राई करना होगा. उसके बाद मैंने बस एक
फटाफट से एक आर्ट बनाया है, वो मैं आपके साथ शेयर करूँगी। ये मेरे पास पेंटिंग पहले से थी, मैं देहरादून में इसे यूज़ करती थी, डेकोरेट किया था मैंने घर, बट यहाँ आने के बाद मुझे लगा अगर मैं इसे ही एज इट इज़ हैंग कर दूँगी तो कुछ लुक नहीं चेंज होगा, तो मैंने सोचा इस पर ही मैं कुछ नया डिज़ाइन बनाती हूँ। तो सबसे पहले जो फ्रेम्स थे उन्हें मैंने अलग कर लिया है। इसके बाद मैंने यहाँ पे जेसो का एक कोट अप्लाई किया है। अगर आपकी पेंटिंग बहुत डार्क है और वो विजिबल हो रही है एक कोट जेसो के बाद, तो आप चाहें तो डबल कोट जेसो भी कर सकते हैं, या फिर आप एक्रेलिक कलर वाइट कलर का यहाँ पे एक कोट और अप्लाई कर सकते हैं। ये हो जाने के बाद मैंने इसे ड्राई कर लिया है एंड इसके बाद प्लेट की हेल्प से मैंने एक सर्कल बना लिया है। ये हो जाने के बाद बाहर के पोर्शन को मैं फटाफट से पेंट कर लूँगी। तो पेंट करने के लिए मैंने यहाँ पे एक्रेलिक कलर यूज़ किया है, वाइट कलर में मैंने थोड़ा सा ब्लैक कलर मिक्स किया है एंड उससे मैंने कुछ इस तरीके से इसे पेंट कर लिया है। तो बेसिकली मैंने यहाँ पे बनाया है आइस ग्रे कलर एंड उससे मैंने कुछ इस तरीके से इसे पेंट कर लिया है। जो सेंटर पार्ट है, जो सर्कल है, इसे मैं यहाँ पर गोल्डन येलो कलर से पेंट करूँगी। आप अपने कलर चॉइस के अकॉर्डिंग इसे बना सकते हैं अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो। कोई भी इसमें बहुत ज़्यादा स्किल की ज़रूरत नहीं थी, बस सिंपली मैंने इस तरीके से बना लिया। इसे ड्राई हो जाने के बाद मैंने कुछ यहाँ पे लाइंस इस तरीके से ड्रॉ कर लिए हैं पेंसिल की हेल्प से एंड कुछ बर्ड्स मैं यहाँ पे ड्रॉ कर लूँगी। फ्री हैंड मैंने ड्रॉ किया है, बेसिकली मैं यहाँ पे कुछ सिल्वेट्स बना रही हूँ। ये हो जाने के बाद मैंने ब्लैक एक्रेलिक कलर से इस तरीके से इसे पेंट कर लिया। जो लाइंस है उसे पेंट करने के लिए मैंने 0 नंबर का ब्रश यूज़ किया है एंड जो बर्ड्स हैं, तो जो छोटी बर्ड्स थी उनके लिए भी मैंने 0 नंबर का ब्रश ही यूज़ किया है एंड जैसे जैसे बर्ड्स बड़े होते जा रहे हैं तो मैं ब्रश चेंज करती जा रही हूँ अकॉर्डिंगली। तो बड़े वाले फ्रेम पे तो मैंने ये पेंट कर दिया है। अब जो दो छोटे फ्रेम्स थे उन पे मैंने डेकोपाज किया है। इसका रील मैंने शेयर किया है अपने इंस्टाग्राम पे, आप अगर इंटरेस्टेड हैं तो आप मेरा इंस्टाग्राम अकाउंट चेक कर सकते हैं, उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। अब कर लेते हैं थोड़ी फर्निशिंग्स। तो ये सोफ़ा कवर्स मैंने अमेज़न से मंगवाए हैं, इसका हॉल वीडियो मैंने आपके साथ शेयर किया था, अगर आपने नहीं देखा है तो आप उसे चेक कर सकते हैं। ये करने के बाद मैंने यहाँ पे एक पुराना मैंने एक थ्रो DIY किया था। एक नॉर्मल फैब्रिक मैं लेके आई थी लोकल मार्केट से, उसमें कुछ टैसल्स वगैरह लगा के मैंने एक थ्रो बनाया था, तो उसे मैं यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ। वैसे तो बहुत सारे कलर्स यहाँ पे यूज़ हुए हैं बट मेजॉरिटी ऑफ कलर है ग्रे एंड येलो का। अब हमारे इंडियन घरों में इतना इजी नहीं होता कि आप कोई भी एक सिंगल कलर से पूरे घर को डेकोरेट कर दें, हम कितनी भी कोशिश करते हैं थोड़े कलर्स ऐड हो ही जाते हैं। तो एक तरफ तो मैंने थ्रो यूज़ किया है एंड दूसरे साइड उसको बैलेंस करने के लिए मैंने दो छोटे सॉलिड कलर के येलो कुशन्स यूज़ किए हैं। उसके बाद मैंने यहाँ पे मेरा पुराना वही आइकिया का जो लैम्प है उसे फटाफट से मैं इंस्टॉल कर लूँगी। ये बहुत ही इजी है कहीं पे भी कैरी करना एंड सबसे अच्छी बात है कि एक छोटे से बॉक्स में ये आता है, इसके सारे पार्ट्स अलग हो जाते हैं एंड कुछ इस तरीके से हम इसे इंस्टॉल करके मैंने अपने सोफ़े के दोनों साइड में इसे वहाँ पर रख दिया है। देहरादून वाले घर में ऑलरेडी वॉल माउंटेड शेल्फ्स लगे हुए थे तो वहाँ पे एडिशनल शेल्फ्स की ज़रूरत नहीं थी, बट यहाँ पे मैंने ये एक शेल्फ़ लिया है। ये मैंने अमेज़न से ही ऑर्डर किया है, थोड़ा प्राइसी साइड में है बट प्योर वुड है इसलिए इन्वेस्टमेंट मुझे वर्थ लगा। उसके बाद वही मेरा पुराना कैन का प्लांटर मैंने यहाँ पर यूज़ किया है एंड इसके अंदर मैंने आर्टिफिशियल फॉर्न प्लांट यूज़ किया है जो मैं पहले भी यहाँ पर रखती थी। इसके बाद यहाँ पे मुझे लाइट्स चाहिए थे बट कोई कनेक्शन नहीं मिल रहा था, तो मैं इस टाइप के बैटरी ऑपरेटेड लाइट्स यहाँ पे इंस्टॉल कर रही हूँ। तो ये मेरे पुराने वाले घर में लगा हुआ था, तो जब मैंने उसे निकाला तो जो इसका टेप था वो ख़राब हो गया था, तो मैंने नया टेप यहाँ पे कट करके इस तरीके से स्टिक कर दिया है। अब बस आपको यहाँ पे इसे ऊपर की तरफ स्टिक कर देना है एंड जब चाहें आप इसे निकाल सकते हैं, बट वही है कि आपको टेप अगली बार भी चेंज करना पड़ेगा। बट इसके साथ जो टेप आती है, जो एडहेसिव था उसके अंदर, वो बहुत ही स्ट्रांग था, काफ़ी मुश्किल हुई थी मुझे इसे वहाँ से निकालने में, बट फिर भी मैं पूरी शिद्दत के साथ निकाल के वापस लेके आई। तो यहाँ पे मोटा पैसा मेरा लग गया इस वुडन शेल्फ़ में, अदरवाइज़ ये मेकओवर मेरा काफ़ी मुझे रिजनेबल पड़ने वाला था क्योंकि जो भी फर्निशिंग्स वगैरह है वो सारी चीज़ें पुरानी हैं एक्सेप्ट
सोफ़ा कवर, क्योंकि वहाँ पे उसका जो फैब्रिक था वो बहुत अच्छा था, यहाँ पे काफ़ी गंदा दिख रहा था, तो इसे कवर करना बहुत ज़रूरी था। उसके बाद मैंने यहाँ पे एक स्टैचू लिया है बुद्धा का, जो मैं गोवा से लेके आई थी, तो उसे भी मैंने यहाँ पे यूज़ किया है, क्योंकि जो देहरादून में हमने स्टैचू रखा था उसे हमने वहीं छोड़ दिया जो हमने बाहर रखा था। अगर आपने नहीं देखा है तो आप चेक कर सकते हैं, गार्डन टूर में मैंने उसे शेयर किया था। उसके बाद कुछ रियल प्लांट्स मैंने यहाँ पे यूज़ किए हैं, तो यहाँ पे सेलेक्टेड कुछ चीज़ों को छोड़ के मेरी मैक्सिमम चीज़ें पुरानी हैं। मैं अपने देहरादून वाले सारे प्लांट्स को बहुत मिस करती हूँ। वहाँ इतना सुंदर फर्न प्लांट था, उसे हमने वहीं छोड़ दिया क्योंकि हमें था कि बीकानेर में फर्न सर्वाइव नहीं करेगा, एंड यहाँ पे ये सस्ता दिखने वाला फर्न प्लांट मैं उठा के लाई हूँ सिर्फ 50 रुपये में। तो यहाँ पे क्योंकि रूम काफ़ी छोटा है, तो जो पहले मैं सेंटर टेबल यूज़ करती थी उसे मैं यहाँ पे नहीं रख सकती, क्योंकि फिर हमें चलने की भी जगह नहीं मिलेगी। उसकी जगह पे जो मेरा ये कॉर्नर टेबल था उसे मैं यहाँ पे एज अ सेंटर टेबल यूज़ करी हूँ, क्योंकि टेबल छोटा भी है, काफ़ी लाइट वेट भी है, आप इसे ईज़िली कहीं पर भी मूव कर सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही। आई होप इस वीडियो में आपको मेरी मेहनत, मेरी लगन नज़र आई हो, आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो। इफ़ यस, डू लेट मी नो इन अ कमेंट सेक्शन बिलो, एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। बेल नोटिफिकेशन भी ऑन कर दीजिएगा फॉर फर्दर नोटिफिकेशन। तो चलिए मिलते हैं मेरे अगले वीडियो में, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।